अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल ना होने का ऐलान करने के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद एक बार फिर से गुस्से में है। इस बीच बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती की इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है। प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्यों के शामिल ना होने पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। परम तृप्ति का विषय है, 500 साल के संघर्ष की इस परिणति में हमें भी भागीदारी का मौका मिला अंत में, ये मेरे लिए परमानंद का विषय है, मेरे पुरखों को तारने वाला विषय है। लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी आई हैं जिनसे मेरा मन बहुत खिन्न हुआ। जैसे हमारे पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज ने यदि कुछ कहा है तो वो इसलिए क्योंकि भगवत पाद आदि शंकर ने जो वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की थी वो शास्त्रार्थ के जरिए की थी, भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय राजनीतिक तंत्र में और भारतीय सामाजिक तंत्र में शास्त्रार्थ का बहुत सम्मान हुआ है, असहमति का, इसलिए उसको उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और निश्चलानंद जी महाराज का मजाक बनाना, उनको चुनौती देना, उनको नीचा दिखाना, ये बिल्कुल हमारे अहंकार का सूचक है। राम भक्त ने, राम ने सबसे पहली बात यही कही है कि अहंकार से मुक्त होकर के भगवान राम ने परशुराम के सामने जिस प्रकार से बात की थी उसी ढंग से बात होनी चाहिए। और मैं माननीय शंकराचार्य जी से, निश्चलानंद जी महाराज से निवेदन करूंगी कि आपने खुद कहा है कि आपको निमंत्रण मिला है तो आप आइए ना, हम लोग कितना संघर्ष किए हैं 500 साल से और अब आपके आशीर्वाद से सब अच्छा हो रहा है, सारा गुस्सा थूक दीजिए और आप आइए। बाकी वैधानिकता में यदि कोई कमी है तो चुपचाप बता दीजिए आप, वो भी ठीक कर ली जाएगी, लेकिन कोई कमी है नहीं, लेकिन आप आइए जरूर, मैं ये कहूँगी। शंकराचार्य जी का जो बयान था उसके साथ जोड़ दिया, नहीं बहुत गलत किया, मुझको बहुत दुख हुआ। खास करके पुरी के जो महाराज है ना वो बिल्कुल राजनीतिक नहीं है और वो भारतीय वांग्मय के इस समय इस भूमंडल के सबसे बड़े विद्वान हैं। और आपको ये भूलना नहीं है कि वो परंपरा ही शास्त्रार्थ की है, मंडन मिश्र के साथ आदि शंकर ने पहला शास्त्रार्थ किया था, तो परंपरा शास्त्रार्थों की है और उसी के जरिए उन्होंने धर्म की रक्षा की है। आप किन की बातें कर रहे हो? दिग्विजय सिंह जी की, उनकी तो आदत ही है कुछ ना कुछ बोलने की, उनके बोलने का महत्व खत्म हो गया है, बल्कि उनकी हालत ये हो गई थी कि वो खुद ही बोलते थे कि मैं जहाँ दिख जाऊंगा वहाँ वोट कम हो जाएंगे। इसलिए आप ऐसे लोगों की बात मत करिए ना जो बेवजह बोलते हो, उनकी बात का जवाब देना भी समय की बर्बादी है मेरी और आपकी। वहीं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शंकराचार्यों की नाराजगी अब भी जारी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में शंकराचार्यों के योगदान को आप नकार नहीं सकते। एनबीटी से बात करते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर निर्माण में शंकराचार्यों के योगदान के बारे में बताते हुए कहा, अगर आज राम मंदिर में भगवान राम के आगमन की तैयारी हो रही है उसमें शंकराचार्य का मुख्य योगदान रहा, क्योंकि सड़क पर चिल्लाने से राम मंदिर नहीं बना है, उसके लिए कोर्ट में पैरवी करनी पड़ी है। उन्होंने आगे कहा कि 90 दिन तक कोर्ट में बहस हुई जिसमें 50 दिन तक मुसलमानों की तरफ से बहस हुई, बचे हुए 40 दिन हिंदुओं की तरफ से बहस हुई। उन 40 दिनों में 24 दिनों तक शंकराचार्य ने बहस की, मंदिर के 350 प्रमाण कोर्ट में पेश किए थे जिसके बाद रामलला की वापसी हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि मीडिया शंकराचार्य के योगदान को दिखाना ही नहीं चाहते हैं, दुनिया भर के सामने हमारे योगदान को क्यों नहीं ले गया मीडिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।